आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मिट्टी की कढ़ाई को किस प्रकार से बनाया जाता है, साथ में मिट्टी की कढ़ाई को इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे। पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाया जाता था, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता था, इसलिए हमने मिट्टी की कढ़ाई को बनाया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी जानकारी आप सभी को तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी को चाक पर रख लेते हैं और दोनों हाथों से बराबर कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखना आप, ताकि आप भी बना सको। तो दोनों हाथों से इसको ऐसे चौड़ा के फैला के और इसकी पिंदी जो मिट्टी है उसको भी बराबर कर लेते हैं। देखिए, दोनों हाथों से इसको आसानी से ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब फिर थोड़ा पानी लगा के और लेयर को बराबर कर लेते हैं। और फिर इसकी जो कनाठा है बनाते हैं उसको भी थोड़ा फोल्डिंग कर लेते हैं। दोस्तों, अब देखिए दोनों हाथों की जो चोटी है उससे बराबर में दबा के खींच के लाते हैं। अभी इस प्रकार से कुछ ऐसा बन के तैयार होता है। तो धीरे धीरे इसको दोनों हाथों से फैलाते जाएंगे। और जिसकी गर्दन है उसको पहले ही ठीक कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, दोनों हाथों से धीरे धीरे देखिए कितने आसानी से इसको खींच के ला रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको ऊपर से फैला लेते हैं, क्योंकि एक साथ में अगर इसको फैलाएंगे तो ये फैल जाएगा, टूट जाएगा। तो धीरे धीरे से ही इसको बनाते हैं, धीरे धीरे से ही नीचे जो पेंदी में मिट्टी है उसको भी धीरे धीरे से ही चौड़ाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से धीरे धीरे देखो एकदम बराबर लेयर में आ गया है। इसको बराबर खींचेंगे तब ही जाके ये कटने से रुक पाएगा। अगर जैसे कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला है तो ठीक से बन नहीं पाएगा। अब देखिए, एक जो बोलते हैं ना सिराई, उसका टुकड़ा है, उससे इसको फिनिशिंग दिया जाएगा अंदर से। देखिए, देखिए बिल्कुल अंदर से किस तरीके से फिनिशिंग किया है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बिल्कुल देखने में शानदार लग रहा है। तो इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा आपके, और जो भी कमी है उसको धीरे धीरे से एक फिनिशिंग से कर लेते हैं। देखो, अभी बन के तैयार हो गया अपना। अब इसके दोनों तरफ कुंदे टाइप में पकड़ने के लिए लगाएंगे, ताकि हम जब कभी भी चूल्हे पे इसको चढ़ाएं, सब्जी वगैरह जो भी बनाएं, तो उसको पकड़ के आसानी से उतार सकें। तो दोस्तों, यही इस पर देखिए अब किस प्रकार से लगाएंगे। देखो, ये साइड में लगा दिए दरवा। अब सामने उधर साइड में भी लगाएंगे। देखो, पानी थोड़ा लगा के और धीरे धीरे इसको बराबर कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ये अंदर से फिनिशिंग
देने के लिए, जो अपने ये कबूल आया इसको बोलते हैं, इसको बिल्कुल फिनिशिंग यानी चिकना कर लिया अंदर से। जब सब्जी वगैरह जो भी कुछ बनाए तो अंदर इसके चिपका ना रहे। तो देखिए दोस्तों, ये अंदर से तो इसको फिनिशिंग दे दी है, अब बाहर तरफ से भी देंगे इसको। देखो तो आइए दोस्तों देखिए बाहर की तरफ भी ये फिनिशिंग दिया जाएगा। देखिए स्पंज की सहायता से पानी लेके उसको बाहर तरफ से बिल्कुल चिकना कर लेंगे, जो देखने भी सुंदर लगे। तो दोस्तों इस प्रकार से बनके तैयार हो गए अपने। अब देखो अब इसमें हम आपको सब्जी बना के भी दिखाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।